हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हो सब? ऑल वेल? बढ़िया, मजे में? प्यारे मेरे बच्चों, कैसे हो सब? ऐसा पूछ रहा हूं मैं, बहुत दिनों के बाद, है ना? ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो चैप्टर नंबर 9 एक नया पार्ट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, एंड दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म आपने देखा भी है। नॉर्मली द प्रिज्म इज मेड अप विद द हेल्प ऑफ ग्लास। नॉर्मली बोला, इट इज ऑल्सो मेड अप विद द हेल्प ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल। इट इज ऑल्सो मेड अप विद द हेल्प ऑफ वॉटर। आप बोलोगे सर वॉटर, यस इट इज, बनाते हैं, बट थोड़ा बहुत जुगाड़ करना पड़ता है, राइट? सो आगे आएगा समझने में, फ्यूचर में फिजिक्स पढ़ोगे तो, बाकी यहां तक सफिशियंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिज्म क्या है? नॉर्मली आपके लेवल की बात की जाए, सो प्रिज्म इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल विच इज इन थ्री डायमेंशन। नॉर्मली बोल रहा हूं, राइट? कई बार प्रिज्म इक्विलेटरल ट्राइंगल की बजाय दो साइड सेम हो सकती है, तीनों साइड का मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है। जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे तब ये सब कुछ उसके अंदर आने वाला है, इजंट इट? तो बात की जाती है प्रिज्म के साथ में रिफ्रैक्शन की। तो ये थियरी 100% डायग्राम बेस्ड है। इफ यू अंडरस्टैंड द डायग्राम वेरी वेल, देन यू कैन राइट वेरी इजीली। तीन पार्ट से दो दो मार्क्स के क्वेश्चन है, समझा रहा हूं तीनों के तीन पार्ट, क्योंकि पूरा थियरी एक साथ में। प्यारे बच्चों, आ जाओ हमारे साथ में, काम कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले प्रिज्म के साथ में हम लोग बात करने वाले थे, मैंने बताया आपको। सो जस्ट वी ड्रॉ दी ट्राइंगल। वो ट्रेसिंग होता है किसका? प्रिज्म का ट्रेसिंग है। सो दिस इज नथिंग बट अ ट्रेसिंग ऑफ अ प्रिज्म। यू नो दिस इज नथिंग बट द इक्विलेटरल ट्रायंगल। प्रिज्म का नाम भी दे देते हैं ए बी सी। दिस बी सी इज द बेस, राइट? इक्विलेटरल ट्रायंगल समझ में आ सकता है। ये एंगल को प्रिज्म एंगल नाम दे सकते हैं। इफ द प्रिज्म इज इक्विलेटरल देन ऑल द एंगल्स विद द 60 डिग्री, है ना? अभी इसके साथ में जुड़ी हुई रे डायग्राम की बात करनी है। उससे पहले हम लोग इसके ऊपर दो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल का मतलब वन नॉर्मल विच इज ड्रॉन ऑन द सरफेस ए बी। सो दिस इज द नॉर्मल, यू कैन से दैट एम एंड एन, राइट? सेकेंड नॉर्मल विच इज ऑन दिस सरफेस, सो इट इज लाइक दिस, and this one is you can say that TN, right? So these are the two normals. Now you can also, आप एक ही पेन से ड्रॉ करोगे, एक ही पेंसिल से ड्रॉ करोगे, कलरिंग पेंसिल यूज नहीं कर सकते बोर्ड में, तो ये लाइन को डॉटेड लाइन भी बता सकते हो बिकॉज इट इज अ नॉर्मल। नाउ द इंसिडेंट रे विच इज एट दिस पॉइंट, देन दिस इंसिडेंट रे एट दिस पॉइंट, देन दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज कॉल्ड आई, एंड दिस PQ is the incident ray. If the prism is not present, then what happened? The ray is just passing through on this way. ऐसे जाता हुआ। But due to the presence of this prism, whose refractive index is N2, the ray which is refracted and it just passed through this path. Then this is called QR. This QR is called the refracted ray. And this is the angle of refraction and it is called R1. R1 is the angle of refraction. This is the angle of deviation and it is called delta1. This is called the angle of deviation. मतलब ये रे ऐसा जाना चाहिए था लेकिन उसकी जगह पर ऐसे जा रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन, राइट? ना उसके बाद में अगर आर से आगे जाने वाले रे की मैं बात करूं तो यहां से जा रहा है ऐसे, देन दिस आर एस इज कॉल्ड द इमर्जिंग रे। दिस आर एस इज कॉल्ड द इमर्जिंग रे एंड देन दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, यू कैन से दैट ई, and this is the angle of incidence for the refracted ray which is refracted by the surface AB, but for AC this is the angle of incidence. बात खत्म नहीं होती है अभी।
इफ यू एक्सटेंड दिस रे ऑन द बैक साइड और इफ एनी पर्सन सी दिस रे देन इट ऑब्जर्व दिस रे दैट इट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट और इट इज जस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. सो दिस इज कॉल्ड एन. ओके, एम एन तो यूज कर चुके हैं हम लोग, इसको नाम देते हैं डी. राइट, सो दिस इज नथिंग बट द एग्जैक्टली एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा. दिस इज द एग्जैक्ट एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा. एंड नाउ दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द इंसिडेंट रे एंड फॉर द इमर्जिंग रे. दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, इट इज कॉल्ड डेल्टा टू. दैट्स इट. बात यहां पे डायग्राम के साथ में जुड़ी हुई जो थी वो खत्म हो चुकी है. पांच सात मैक्सिमम लाइन में इसका डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि डेरिवेशन करना है. दो मार्क्स के लिए सात लाइनें सफिशियंट होती है, है? तो सबसे पहले एज शोन इन द फिगर दिस ए बी सी इज द प्रिज्म एंड इट्स ट्रेसिंग ऑन द टू डायमेंशन. दिस एम एन एंड टी एन इज नॉर्मल. दिस टू आर द नॉर्मल्स ऑन द फेसेस ए बी एंड ए सी. This PQ is the incident ray and it is at angle I. QR is the refracted ray and R1 is the angle of refraction. Delta 1 is the angle of deviation for the incident ray. This RS is the imaging ray or refracted ray for the surface AC. Here this R2 is the angle of incidence for this incident ray on the surface AC and this E is the refracted ray. That's it. If you extend the ray RS on the back side, then this is called the delta. This angle is called the delta and this is called the angle of deviation in the case of the prism. Actually, the ray is just moving on PQD path, but after D, it travel on the path DRS. It is not like that. But if prism is not present, then observer observe that the ray is coming from here. Prism hai? तो ऐसा लग रहा है प्रिज्म नहीं था तो ये तो रे डायरेक्ट जाना था. बस इतना लिख दिया फिर सिंपल मैथमेटिक्स आपको आंसर देगा. क्वेश्चन क्या था? ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस इमर्जेंस एंगल एंड प्रिज्म एंगल एंड एंगल ऑफ डेविएशन. चार एंगल के बीच का रिलेशन चाहिए आई ई डेल्टा एंड ए. राइट, नाउ देन वी हैव द क्वाड्रिलेटरल. दिस क्वाड्रिलेटरल A, Q, N, R. For this quadrilateral, A, Q, N, R. A, Q, N, R. A, Q, N, R. The angle, you can say, A, Q, N for the quadrilateral, A, Q, N, R. Angle A, Q, N and angle A, R, N. Of 90 degree each. दोनों 90-90 है क्योंकि ऑलरेडी बोल चुके ये नॉर्मल है ये भी नॉर्मल है. सो देयरफॉर यू कैन से एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इट इज इक्वल टू 180 degree नंबर वन. राइट, फॉर द ट्राइंगल Q and R. For the triangle Q and R, what should I write? I just write that ये एंगल A के साथ में एंगल का साइन नहीं करते चलेगा. Then it is nothing but R1 plus R2 plus angle Q and R. It is equal to 180. Number two. Comparing this two. ये दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या होगा? बाय कंपेयरिंग वन एंड टू इट इज ए प्लस एंगल क्यू एंड आर इट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल क्यू एंड आर. दिस टू गेट कैंसल सो देयरफॉर योर आंसर इज ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर. This is your answer. Number, equation number three. Right? याद तो कोई तकलीफ?
अभी थोड़ी बात ये एंगल के साथ में जो मैं करने वाला हूं वो ये पॉइंट क्यू के साथ में कर रहा हूं, देख लेना, ये हो गया पॉइंट क्यू, राइट, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये होता है आई एंगल। अभी ये रे यहां से डायरेक्ट जाता ये वाला, तो ये एंगल भी पूरा आई बन जाता कि नहीं बन जाता, बनता कि नहीं बनता। ओके, इफ आई ड्रॉ अदर रिफ्रेक्टेड रे दिस वन, देन दिस अपर एंगल यू से दैट डेल्टा वन, एंड द लोअर एंगल दिस लोअर वन यू कैन से दैट आर वन, हो गई बात। सो दिस आई इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू, सो विद द ज्योमेट्री ऑफ द डायग्राम, सो फ्रॉम द फिगर one can write this I is equal to delta 1 plus R1, right? Also for this one, for this side, तो मैं यहां से ये draw कर रहा हूं easy, right? ये हो गया normal, तो ये ray यहां पर पहुंचा और ये यहां से बाहर निकला। अगर मैंने back side extend किया था तो ये angle E बन रहा था, तो ये एंगल पूरा ई बनने वाला है, बट ऊपर वाले एंगल को तो नाम दे दिया है डेल्टा टू, नीचे वाले एंगल को नाम दिया है आर टू, तो होगा क्या, होगा बताइए बच्चों। ऑल्सो क्या लिख सकता हूं मैं, सो मैं लिख सकता हूं दैट इज ई इज इक्वल टू, ओके मैं यहां पे नहीं लिखता हूं, यहां पे थोड़ा दूसरा काम कर लेंगे, दैट इज ई इज इक्वल टू डेल्टा टू प्लस ई। अभी इसमें से मैं फॉर्मूला बनाऊंगा डेल्टा वन का, डेल्टा वन इज इक्वल टू आई माइनस आर वन, दिस इज नंबर फोर। इससे बनाऊंगा मैं फॉर्मूला डेल्टा टू का, सो डेल्टा टू इज इक्वल टू ई, सॉरी ओके मैंने दो बार ए लिख दिया है ना, सो डेल्टा टू प्लस इधर आएगा आर टू, है ना, सो इट इज ई माइनस आर टू, दिस इज नंबर फाइव। For the triangle DQR, for the triangle DQR, this angle D, this delta is the exterior angle and it is the sum of these two, right? For the triangle DQR, I can write this delta is equal to delta 1 plus delta 2. सब sentences में बोल देता हूं, लिखना पड़ता है, जगह कम है मेरे पास, है ना, सो देयरफॉर बाय यूजिंग दिस फोर एंड फाइव एंड दिस वन, सो दिस डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन का मतलब होता है आई माइनस आर वन। यहां पे लिख सकता हूं ई माइनस आर टू, बच्चा बर्डी, मैं यहां पे लिख सकता हूं आई प्लस ई देन माइनस आर वन प्लस आर टू, राइट, बट वट इज आर वन प्लस आर टू, सी फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर थ्री, so therefore this delta is equal to I plus E minus A, कौन सा equation use किया, so by using take this on this side, so you can just write A plus delta is equal to I plus E, important relation as we required number 6। दो marks की theory खत्म, देख सकते हो कुछ भी cram करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप एक ही काम करिए, वो ये अच्छे से समझ लीजिए, बाकी आपका काम हो जाएगा। ये निकाल देता हूं अभी, अभी दूसरी बात समझा रहा हूं, आपको ही समझानी है। दूसरी बात क्या है, एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस गेट्स चेंज, दिस एंगल ई ऑल्सो गेट्स चेंज, व्हाई, यू सी दिस ए इज फिक्स्ड, अंडरस्टूड, the delta gets changed according to I and E, obviously, so यहां पर जैसे जैसे आप angle of incidence change करते जाओगे angle of emergence वो भी change होता जाएगा, and according to that this delta also gets changed, but the sum of these two and sum of these two must remain same, and according to the practical, आपके syllabus में practical था लेकिन अभी नहीं है, so according to practical if you draw this graph, कौन सा वर्सेस कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है, सो ऑन द वाई एक्सिस वी आर टेकिंग दिस डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन, दिस डेल्टा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन एंड दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस।
ये आपको मालूम है, रिट्रेस कर सकते हो पाथ को, ये यहां से यहां से यहां से, तो यही रे अंदर एंटर करोगे तो आप वापस भी आ सकते हो. रिट्रेस दिस पाथ, दिस इज द रियलिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स की ये तो रियलिटी है कि जो पाथ के ऊपर रे गया है वहीं से वापस वही पोजीशन पे वही पॉइंट पे ला सकते हो. सो इफ यू ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस टू, देन यू ऑब्जर्व दैट एट वन पॉइंट फॉर द स्मॉलर एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस एंगल ऑफ डेविएशन बिकम्स हायर. As you increase this I, then this one gets decreasing. तो ये नीचे जाएगा. At one point it becomes minimum and then it is increasing like this. तो ये जगह पर ये कम हो जाता है. And for this situation you can say that this is I is equal to E. ये situation के लिए I is equal to E हो जाता है. ये सब कुछ description लिखना पड़ता है प्यारे बच्चों. So as you increase the angle of incidence, the angle of emergence will also get changed. One situation you are getting that when I is equal to E, that means angle of incidence and angle of emergence both are same. Then at that point, this angle of deviation becomes minimum. This delta becomes minimum. And in this condition, this ray QR is parallel to the base BC. इसके बेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, राइट? ये ग्राफ भी JEE की एग्जाम में पूछा गया था. सिंपल फॉर द प्रिज्म, व्हाट अबाउट द ग्राफ, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था. सिंपल आपको टिक करना था, चार मार्क्स आपकी जेब में आ जाते, है ना? ओके बारे बच्चों आगे बढ़ते. सो इन दिस सिचुएशन वी आर गेटिंग द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एंड स्टिल यू इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, this angle of deviation also get increased. दो marks का question finish. Description, ये graph draw करना है, ये सब कुछ कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये formula लिखो. दो marks का question. तीसरा दो marks का question क्या है बच्चों आपके लिए? Obtain the formula for the refractive index of the prism with respect to the first medium. Prism के refractive index का formula चाहिए with respect to this condition. और फर्स्ट मीडियम. सो इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे? वी आर यूजिंग द कंडीशन आई इज इक्वल टू ई. सो व्हेन वी यूज दैट, व्हेन आई इज इक्वल टू ई, व्हेन आई इज इक्वल टू ई, सो यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज मिनिमम. And therefore, this delta is equal to dm, minimum angle of deviation, right? So also, और क्या लिख सकते? In this condition, also you can say that r1 is equal to r2 is equal to r. ये लिख सकते हो आप, है कि नहीं? Therefore, from equation, this one, 3. I just write A is equal to R plus R is equal to 2R. So therefore this R is equal to A by 2. Number 7. I was samajh. What about this equation 6? Kya likhoge equation 6 ke liye? So from 6. This A remain as it is. Plus this delta becomes DM. And it is equal to, you can say that I plus I, and this is equal to 2I. So therefore this I becomes, A plus DM divided by 2. This is the another equation. It is number 8. Clear? Now, अभी हम लोग हमारा simple वाला logic use करेंगे, Snell's law. So according to the Snell's law, if I apply at Q or at R anywhere, so refractive index of prism with respect to first medium, therefore you can say N21.
द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम इज एन वन, एन टू वन इज इक्वल टू, यू कैन से दैट एन टू डिवाइडेड बाई एन वन, राइट. एंड वॉट अबाउट द स्नेल्स लॉ, यू बेटर नो दैट साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, है ना. अब ये आई और आर लाऊंगा कहां से, ये रहा, बस रख दो सिर्फ. ओके, सो देयरफॉर यू कैन से दैट एन टू बाय एन वन, लिख दो ये भी. ओके चलो, एन टू वन इट इज इक्वल, दिस इज नथिंग बट साइन आई, सो यू कैन राइट साइन ए प्लस डी एम बाय टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाय टू, राइट. सो देयरफॉर व्हाट अबाउट द फॉर्मूला ऑफ एन टू वन, प्यारे बच्चों, सो ये हो जाएगा साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय टू डिवाइड बाय साइन ए बाय टू, दैट्स इट, दिस इज अवर आंसर. ओके, कोई तकलीफ नहीं ना. नंबर नाइन, दिस इज इक्वेशन नंबर नाइन. नाउ इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल, देन एंगल ऑफ इमरजेंसी इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, सो इन दैट केस लिखना पड़ेगा. इफ बोथ द एंगल्स आर वेरी स्मॉल एज वेल एज द प्रिज्म एंगल इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, दिस एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, सो आई ए ऑल आर वेरी स्मॉल, देन यू कैन से दैट एन टू वन इट इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय, सॉरी डेल्टा एम नहीं है हमारे पास, डी एम है ना, सो इट इज डी एम बाय टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाय टू, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, क्या होगा, यहां पर जाएंगे तो ये बनेगा ए प्लस डी एम बाय टू डिवाइडेड बाय ए बाय टू. प्यारे बच्चों ये टू टू तो गया, सो अभी क्या बचा, तो अभी ये बचा ए प्लस डी एम डिवाइडेड बाय ए. Take this A here, so it is A into N to 1, it is equal to A plus DM. Therefore, A को उठा के लाओ लेफ्ट साइड में, right? So now A common हो जाएगा N to 1 minus 1, it is equal to DM. तो बच्चों ये बन गया DM का formula, लेकिन कब, जब प्रिज्म एंगल वगैरह वगैरह सब बहुत बहुत छोट टू सा होता है, तब ये फॉर्मूला बन गया. सो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा था, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडिया, क्लियर. तो ये तीन क्वेश्चन दो 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 को उठा के रखा है, राइट. तो जितना पूछा जाए उतना रखो, जैसे पूछा जाए वैसे लिखो, तभी जाके पूरे मार्क्स मिलेंगे. अदरवाइज पूछा है क्या, लिखा है क्या, तो फिर मार्क्स गए, है ना. इंडिया है मेरे भाई, मार्क्स की बहुत अहमियत होती है. एक एक मार्क्स के लिए मेडिकल, इंजीनियरिंग, इवन पास फेल की गेम बन जाती है. एक मार्क्स है ना, तो वो बहुत कीमती होता है, और जब नहीं होता है ना तब उसकी वैल्यू बहुत, अहमियत बहुत आपको मालूम पड़ेगी. सो माई डियर बच्चा पार्टी, आप अभी से काम करना शुरू कीजिए, तब जाके आपको कुछ आउटपुट मिल सकता है. ओके, आगे देखते हैं प्रिज्म के साथ में और जुड़ी हुई बात जो आप लोग पहले से ही जानते हो, राइट. डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक इज द डिस्पर्सन बाय अ प्रिज्म. आपने देखा भी है, सुना भी है और पढ़ा भी है, बट रिवाइज हो रहा है. डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है, इफ देयर इज अ बेंडिंग ऑफ अ लाइट from one medium to the other medium, then it is called refraction. But when there is a white light, if it is incident on one transparent medium to the other transparent medium that is separating between the two surfaces, and particularly if it is a glass, then you can observe the phenomenon of the dispersion. So dispersion is what? So dispersion is, there is a, after the bending of the light, the white light is spread into seven colors or different colors. Not only seven colors, there are so many colors, but we can observe only seven colors. So here, this phenomenon of the
बैंडिंग ऑफ द लाइट आफ्टर द बैंडिंग ऑफ द लाइट इट इज डिप दैट मीन्स यू गेट द स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ द सेवन कलर्स देन इट इज कॉल्ड द डिस्पर्सन ऑफ द लाइट. ये समझाने में बहुत साल गए, नहीं लोगों को पहले से ही मालूम था, लेकिन उसके पीछे का फिजिक्स जो था वो नहीं मालूम था. लोग ऐसा मानते थे कि व्हाइट लाइट में ये ऐसा कुछ है जिससे ये सेवन कलर्स मिल रहे. कोई ऐसा मानते थे कि या प्रिज्म में कुछ है इसीलिए ऐसा कुछ मिल रहा है, प्रिज्म के पास ऐसे कलर्स है इसीलिए ऐसा कुछ मिल रहा है. बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी मनगढ़ंत घटनाएं लोग समझा रहे थे, लेकिन जब ये मतलब पता चला व्हाइट लाइट के साथ में वेवलेंथ के साथ में उसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात पता चली, तब जाके ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया. सो आप लोगों ने देखा होगा कैसे सेवन कलर स्पेक्ट्रम मिल रहा है. सो सपोज वी हैव दिस टाइप ऑफ प्रिज्म, देन व्हेन लाइट इज इंसिडेंट हियर आफ्टर दिस रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट देन देयर इज अ बैंडिंग एंड द बैंडिंग ऑफ द लाइट इज हियर द रिफ्रैक्शन इज फिनिश्ड. Then up to this point, then again it is refracted by this way, and this refraction is in the seven color. So here it is number one, then number two, number three, number four, number five, number six, and number seven. कौन से color मिलते पता है ना? It is V, then I. वी आई यानी उसके बाद में क्या था बी जी वाई बी जी वाई देन ओ आर. कौन से कलर मिलते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन. वाई है ये बच्चों, ये वाई है, वाई राइट. इसके लिए वाई वाई दैट मीन्स येलो, ऑरेंज एंड रेड. ये सेवन कलर का स्पेक्ट्रम मिला. ऐसा क्यों मिला? मैंने बताया द व्हाइट लाइट पजेस द डिफरेंट वेवलेंथ फॉर द डिफरेंट कलर एंड अगेन द स्पीड ऑफ द डिफरेंट कलर इन दिस डेंसर मीडियम इज डिफरेंट एंड अकॉर्डिंग टू दैट दिस प्रिज्म इज ऑल्सो पजेस द डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज एन इज इक्वल टू सी अपॉन बी. वायलेट के लिए, रेड के लिए, वो दोनों के लिए स्पीड अलग है, सो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी अलग होता है. द मिनिमम बैंडिंग इज पॉसिबल फॉर द रेड कलर एंड द मैक्सिमम बैंडिंग इज फॉर द वायलेट कलर राइट. फॉर द मैक्सिमम बैंडिंग व्हाट अबाउट द स्पीड एंड व्हाट अबाउट द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको पता चलने वाला है ना? ये सब कुछ समझाया था. उसके बाद में मैंने बोला कि पता नहीं चल रहा था वो टाइम के ऊपर कि क्या है, क्यों मिल रहा है, ये सब कुछ. लेकिन ये बात अच्छे से समझाई किसने? न्यूटन ने. अच्छे से समझाई न्यूटन ने कि ये सब कुछ वेवलेंथ का खेल है, ये सब कुछ ये मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का खेल है. कैसे? दो प्रिज्म लेकर उन्होंने बहुत अच्छे से समझा दिया. कैसे समझाया प्यारे बच्चों? तो ये उन्होंने ये फर्स्ट प्रिज्म लिया, कैसे दूसरे प्रिज्म को बिल्कुल उल्टा रख दिया. ओके, देन आफ्टर क्या हुआ? तो उसके बाद में जो हुआ मैं समझा रहा हूं. देयर इज अ रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट राइट. दिस रे इज अगेन कमिंग आउट ऑफ इट लाइक दिस. अगेन इससे उल्टा होगा प्यारे बच्चों, यहां से ये राइट एंड देयर इज अ व्हाइट लाइट. सो यहां पर व्हाइट लाइट है, ये हो गया रेड, ये हो गया वायलेट, ये हो गया रेड, ये हो गया वायलेट, ये हो गया रेड, ये हो गया वायलेट, अगेन व्हाइट लाइट. इसके ऊपर से मालूम पड़ा कि भाई व्हाइट लाइट तो व्हाइट लाइट ही है, लेकिन अगर ये ग्लास मीडियम होता है तो कुछ अलग मिल रहा है, नहीं है तो वही व्हाइट लाइट है ना. तो एक प्रिज्म ने जो काम किया उसका दूसरा उल्टा काम दूसरे प्रिज्म ने करके दे दिया, तब मालूम पड़ गया कि ये डिस्पर्सन हो रहा है. आ गई बात समझ में? अलग अलग मीडियम के पास अलग अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होते हैं और अलग अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के हिसाब से अलग अलग डिस्पर्सन आपको मिल सकता है. बहुत सारी नेचुरल फिनोमेना भी ऐसी है, हम लोग आगे समझाएंगे, उसमें भी डिस्पर्सन आ रहा है. ओके,
और एक बात, क्रोमेटिक एब्रेशन वर्ड है, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन से होता क्या है? सो क्रोमेटिक एब्रेशन से होता यह है कि अगर ये प्रिज्म की जगह पर मैंने थिक वाला लेंस लिया होता, लेंस की बात कर रहा हूं, देन द व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस वन, देन व्हाट हैपन ऑन द स्क्रीन, द ब्राइट स्पॉट ऑब्टेन ड्यू टू दिस रेड एंड वायलेट कलर्स आर एट द डिफरेंट पोजिशंस एंड दिस इज ड्यू टू दिस डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्योंकि दोनों के लिए एक ही जगह पर जो एफ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होके एक ही जगह पर सभी रेज मिलने चाहिए, ऐसा नहीं मिल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द क्रोमेटिक एब्रेशन, इजंट इट? और एक बात समझा दूं आपको, क्या है उसके अंदर? तो बात यह है बच्चों, समझाने के लिए, आप जानते हो कि व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक का होता है, एंड द लाइट ऑफ द, दैट मीन्स व्हाइट लाइट इज द, इफ इट इज पासिंग थ्रू द वैक्यूम देन देयर इज नो डिस्पर्सन। That means, अगर मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो लाइट यहां पर, तो डिस्पर्सन नहीं हो रहा है, बिकॉज बिटवीन अस देयर इज अ वैक्यूम, मतलब हवा है। अभी तो आप वर्चुअल देख रहे हो ना, लेकिन जब क्लास में होते तब बात कर रहा हूं मैं तो, है ना? ओके, सो इफ देयर इज अ वैक्यूम, इफ देयर इज अ सिंपल एयर बिटवीन अस, देन इट इज नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, वहां से कुछ अलग अलग कलर्स नहीं मिलते। सो वैक्यूम इज द नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। बट अगर वही चीज ऐसे प्रिज्म के साथ में की जाए, देन द व्हाइट लाइट इज स्प्रेड इन टू अदर 7 कलर्स, देन इट इज कॉल्ड द डिस्पर्सिव मीडियम। हो गई बात, नॉन डिस्पर्सिव एंड डिस्पर्सिव। और एक बात आपके लिए, द रेड लाइट ट्रेवल फास्टर देन द वायलेट लाइट। अगर ये फास्टर है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी, तो उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा, इसलिए बैंडविड्थ कम है। वायलेट के पास स्पीड कम है, स्पीड कम है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसीलिए बेंडिंग ज्यादा हो रहा है। नॉर्मली जो डेंजर सिग्नल होता है, वो ट्रैफिक हो या कहीं पे रोकना है पब्लिक को, तो ऑलवेज रेड कलर का होता है भाई। क्यों? बिकॉज द स्पीड ऑफ द रेड कलर इज हाईएस्ट अमंग ऑल दिस कलर्स, इसीलिए रेड सिग्नल रखा जाता है ना? लेकिन ट्रैफिक को तोड़ना हमारा रूल नहीं है। सो अवे द ट्रैफिक, तो फिर से बोल रहा हूं, रेड कलर के लिए स्पीड ज्यादा तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम तो मतलब बेंडिंग भी कम हो रही है। वायलेट कलर की बात की जाए, तो वायलेट कलर के लिए स्पीड कम है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो उसका बेंडिंग भी ज्यादा हो रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें लाइट के साथ में, डिस्पर्सन के साथ में जुड़ी हुई है, नेचुरल फिनोमेनन भी है, समझाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, और आपका ख्याल रखिए, और फिजिक्स का ख्याल रखिए, और फिजिक्स पढ़िए अच्छे से, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है, इसमें मार्क्स अच्छे आएंगे, देन यू आर ग्रेट। फाइन, टेक केयर।